हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कानू वाइंस ब्लॉग। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए, ये है फुल पूजा ब्लॉग, सत्यनारायण की पूजा। और मैं ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बोलूँगी, और देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बोलिएगा ओम गणेशाय नमः। और आगे आप लोग देखिए। ओके हाथ जोड़ के सभी देवताओं को नमः बोलते हुए नमस्कार करेंगे। स्वस्ति श्रीमन महाराज कर रहे नमः। ओम लक्ष्मी नारायण अभ्याम नमः। ओम मां महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी नंदरवाभ्याम नमः। ओम नदी पुरंदराभ्याम नमः। ओम देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्रहवास देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। तत्कं गान देवता श्री सत्यनारायण हरे नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वक सभी कोई बोलेंगे विष्णवे नमः। विष्णु भगवान का नाम स्मरण करेंगे। सब कोई बोलिए बोलिए विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। ये संकल्प ध्यान से सुनिए, ठीक है। पूर्ण फल प्राप्ति अर्थम मम गृहे सुख शांति समृद्धि आयु आरोग्यता अभिवृद्धि अर्थम। आप बोल रहे हैं कि सबसे जरूरी चीज क्या है जीवन में? सुख शांति रहे। बहुत सा भरा हुआ है लेकिन ध्यान पूजन विष्णु पूजन अहम करिष्यामि। गणपति बाबा को उठा के प्लेट में बैठा लीजिए। गणपति बाबा उठा लीजिए। चलिए अक्षत पुष्पाणि आदाय आकाश मंडल में सूर्यनारायण भगवान को नमस्कार करेंगे, ठीक है। पांच बार पंचम एक चम्मच पंचम चढ़ेंगे अगर हम नहा रहे हैं दो चम्मच छोड़ दीजिए थाली में। दो कम आगे आप आमी दे कम समय से आमी नहीं दे थाली छोड़ी थाली छोड़ी नहीं दे दे फलाने समय पे आमी देखो फल चढ़ा दे फल में थोड़ा जल चढ़ाइए थाली रखिए जल थोड़ा जल छोड़िए थाली में। और ना प्यारे आशीष अंदर जो मुझे नौ देवों समर्थ था उधर मुझे था सुकरां तो था लोकार और मैं दो प्राण ऐसा पाना सोंगे रहा हूँ उधर समान जो मुझे 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 चार बातें छोड़ दीजिए थारी मैं मध्य मध्य जरम समारे का त्रापो चलाना हूँ चलाना दिलम समारे भया हाँ भी ही कारों तो नहीं तो पता मैं इंद्रिय बलान समय में रहा ना पुरे नमस्कार नमस्कार अभी शेख आते देगा नक्षत्र तो अभी जम पूज गणपति बाबा का शेख करेंगे और थोड़ा थोड़ा पंचमय छोड़ते रहेंगे। गणपति बाबा ऊपर ओम गंगे पते नमः बोलते रहेंगे, ठीक है। ओम गंगे पते नमः। हरि ओम ओम नमः शिवाय।
सबको बढ़िया सुधीर से स्नान करवा लीजिए। गणपति बाबा खाली हाथ में राधे श्याम अरे सब ताई सोई समय नारायण भगवान को नाना हल्दी कुंकी चंदन सब ठीक है भगवान के सामने सभी कोई हाथ में फूल ले लेंगे और सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करेंगे ठीक है ना। सबको दे दो बेटा पार्सल कर दो सबको। सबसे पहले हमें भगवान के विषय में समझ लेना चाहिए भाई साहब है ना। कभी कभी हमारे मन में आता कि भगवान है कि नहीं है बता दो। भगवान सब कुछ करने वाले भगवान है, हम और आप एक निमित्त मात्र है। भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं अर्जुन तुम तो एक निमित्त मात्र हो, ये तो पहले से ही सब गए हुए हैं। मृत लोग है, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। चतुर्थ अध्याय में कहते हैं श्रवण स्पर्शन जिज्ञान श्वसन स्वपचन प्रलयन प्रलयन निमिषा निमिषा इंद्रियार्थ से बताते हैं अर्जुन खाना पीना रहना सोना जागना सब कुछ मैं करता हूँ, तो तुम अपने लिए क्या करते हो? हम लोग लाइफ में अपने लिए क्या करते हैं? काम करते हैं, अपने लिए करते हैं। करना पड़ेगा ना, कोई ऐसा जीव नहीं है जो काम ना करता हो। बता दीजिए कौन सा जीव है जो कर्म नहीं करता है? अरे भोजन करने के लिए भी तो कर्म करना पड़ता है, कर्म खाना पड़ता है, और ना चाहते हुए भी कर्म हम कर रहे हैं। अपने आप कर्म हो रहा है, अपने आप सांस चल रही है कर्म हो रहा है, अपने आप भोजन कर रहा है कर्म हो रहा है ना, तो कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन हम स्वयं के लिए क्या करते हैं? जो है आप भगवान को आज धन्यवाद दे रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, या आप लोग बैठे हैं भगवान की इच्छा में सुन रहे हैं